वो तो हमारे यहाँ कहते हैं उनकी गैरत वैरत खत्म हो गई है, कुछ भी कुछ भी नहीं, बोलता मैं रहे। वाज शॉक्ड द वे द औरिया मकबूल सेड इट कि ये खवातीन प्रोवाइड करते हैं, हाँ तो ये सही है, हद हो गई। कोई नंगी तस्वीरें सुबह शाम डालते हैं, वीडियोस बना बना के। पाकिस्तान तो लग रहा चल ही पोर्नोग्राफी पे रहा है इस वक्त। यार उधर से वो कम हुआ है, आपका क्या नाम है, पहले वो हैकर भाई जानते, कुछ 3 2 3 महीने उन्होंने जलील किया हमें, अब वो फिर वीडियो आ रही है। पता नहीं लोग ये क्या चाहते क्या है। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के, जब पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को सत्ता से बाहर निकाला था, उससे पहले इमरान खान ने कहा था कि अगर मैं सड़कों पर जाऊंगा तो और ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के लिए खतरनाक हो जाऊंगा। ठीक, अब वैसा ही हो रहा है। और जिस तरह इमरान खान आए दिन पाकिस्तानी आर्मी के साथ झड़पें, लोगों की झड़पें करवा रहा है, वही पाकिस्तानी आर्मी आए दिन इमरान खान के जितने भी वर्कर हैं उनकी नई नई कभी ऑडियो तो कभी वीडियो रिलीज कर रही है। तो उसके चलते हुए दोस्तों अब पाकिस्तानी आर्मी और ISI पर भी सवाल उठने स्टार्ट हो गए। और ओरिया मकबूल जान ने तो देखे ISI के बारे में क्या कह दिया था इस वीडियो को मैं, आप देखे, अब ओरिया मकबूल जान ने तो ISI की बिल्कुल धजियाँ उड़ा कर रख दी थी। तो दोस्तों ऐसे पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि इमरान खान को डिपेंड करने में हर 24 घंटे लगे रहते हैं। और इमरान खान उधर जिस तरह जलसे जुलूस में लोगों को अमेरिका की हुकूमत और जो न्यूट्रल जानवर कहकर पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रहा है, उससे पाकिस्तानी इमेज को काफी बड़ा झटका लगा। और लोगों के बीच में पाकिस्तानी आर्मी की कोई थोड़ी बहुत भी इज्जत बची थी, वह भी इमरान खान ने बिल्कुल धूमिल कर दी है। तो दोस्तों अब ISI पर भी पाकिस्तान में सवाल उठने लगे हैं। इसी को लेकर चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। मार्च में नहीं होंगे जितने पुलिस वाले होंगे, तो फिर आपको मैंने बताया था कि ये यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं ना, क्योंकि लोग सॉरी जी, आपके इदारे भाग गए हैं, आपके इदारे आपको बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ के आरजू भाग चुके हैं, अदलिया भी भाग गई है, इस्टेब्लिशमेंट भी भाग गई है, आपको खुले आसमान के नीचे छोड़ गए हैं और इनको लाइसेंस दे गए। देखें जरा किस बदतमीजी। मैं आज एक नई बात बताना चाहूंगा जो इस दफा पता चली मुझे अगले दिन, इनके लॉन्ग मार्च में मुझे पता चली कि मोटरवे पुलिस के पास अरेस्ट करने के इख्तियारात ही नहीं मौजूद, उनके पास कोई थाना ही मौजूद नहीं है जहां किसी से किसी को अरेस्ट करके वो जाके बंद कर। ऐसा कैसे हो सकता है सर, नहीं है ये भी उनके हो पास सकता पावर्स, है? नो दे डू हैव पावर्स, वो सिर्फ आपको जुर्माना कर सकते हैं, उनके पास सिर्फ यही इख्तियार है। और इसीलिए 15 15 लोग टेंट लेके गए हैं, 15 15 लोगों ने मोटरवे ब्लॉक कर दी, 15 लोग थे सारे मोटरवे को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि उनके पास अरेस्ट करने की पावर्स ही नहीं है। और दूसरा उनके साथ प्रोटेक्शन है पंजाब पुलिस की, आप देखें तो सही, मेरे पास 1000 पिक्चर्स आई हैं कि 15 15 20 20 लोग टेंट के अंदर बैठे होते हैं और मोटरवे ब्लॉक होती है, और वो भी वजीर होते हैं सुबह ही, ताकि उनको पुलिस हाथ ना लगाए। लेकिन सर जुल्म इनके ज्यादा, सेनेटर्स भी तो सुप्रीम कोर्ट के आगे धरना देके बैठे थे आज। मैं जो मर्जी करें वो मेरे मुल्क उनका, जिनको और सर मारे एक थप्पड़ चीज मारे सर, जो मर्जी करें ये उनको। इंटरनेशनल मीडिया के सामने जा रहे हैं इमरान खान और वहां पे अपनी सिर्फ बेइज्जती करवा रहे हैं, बल्कि मेजर गौरव आर्या की वीडियो आई डोंट आपने देखी है कि नहीं, नहीं उन्होंने कहा कि एक आप मिनट, सिर्फ ARY पे जाया करें या कामरान खान के पास। मैं कहता हूं मेजर साहब की वीडियो पाकिस्तान में इतनी वायरल हो चुकी है, वो बल्कि 2 3 है मेजर साहब की वीडियोस, और मेजर साहब की उन्होंने कमाल कर दिया अपनी उसमें वीडियो में, जो बातें सारी मेक सेंस करती हैं। इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी नाइस पर्सन, जो मैंने एक दो दफा उनके साथ सेगमेंट किया, व्हाट एवर ही सेज इज मेक सेंस, सच अ नाइस पर्सन। और उन्होंने बिल्कुल उनकी बहुत बार मुझे दोस्तों ने पाकिस्तान से भेजी उनकी वीडियो, और ही इज वेरी मच लाइक, ही इज लव्ड बाय पाकिस्तानीज, मेनी पाकिस्तानीज। तो सर ये इमरान खान जो है ये ARY या लोकल मीडिया छोड़ के इंटरनेशनल मीडिया पे क्यों जा रहे हैं, जब ये जवाब देना देना कभी इनको नहीं पता कि क्या कहना है। मैं कहता हूँ अच्छा जाना चाहिए इनको, बल्कि मैं तो अब ये सोचता हूँ इन्होंने धरना क्यों ये लोगों को कहा कि खोल दो सारी मोटरवेज, अब तो बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही थी बुजुर्गों से इनको, अब तो नून लीग वाले चाहते थे कि ये इस तरह ही बंद करके रखें ताकि लोग आके इनको थप्पड़ों से मारे, इनको निकाले वहां से। और सबसे बड़ी इन्होंने बंद भी इसीलिए किया क्योंकि लोग निकले ही नहीं, लोगों ने सपोर्ट ही नहीं की। तो ये एक एक पाकिस्तान का एक बदनसीबी, एक अलमिया है पाकिस्तान का। और सर इनकी और जो वीडियोस आ रही हैं उसमें जिस टांग पे ये 4 गोलियां बता रहे हैं वही हिला रहे बैठे हुए। हाँ वो खेल रहे होते हैं, वो तो मैं कहता हूँ ये तो कैमरे के सामने होते हैं, उससे पहले ये ट्रेडमिल के बड़े शौकीन है, मुझे तो लग रहा होता है ये दौड़ के आते हैं 10 10 मील। 4 गोलियां लगी हो तो उसी दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे की नहीं करते आप, मेरी एक एक, एक, एक बहसीत इंसान कह रहा हूँ ये,
कि चार गोलियां, अकॉर्डिंग टू इनके, इन्होंने खुद फरमाया था कि मेरी टांगों में चार गोलियां लगी हैं, और सेम डे इन्होंने करके नेक्स्ट मॉर्निंग एक घंटे की प्रेस खिताब फरमाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती अगर सवाल लिए जाए बोल, और जितना आपने खुद फरमाया ARY बोल के बगैर तो ये किसी का जवाब दे ही नहीं सकते। या कामरान खान, कामरान खान साहब तो अब अच्छा, मैं एक और बात कहूंगा, मैं इनको जर्नलिस्ट नहीं समझता। जब जर्नलिस्ट किसी पार्टी का वर्कर बन जाता है, उसको जर्नलिस्ट कहना जर्नलिज्म की तोहीन है। इमरान रियाज साहब को मैं सुनता था, जब वो ट्रेलर के ऊपर चढ़े आगे पीछे, मैंने उनका बंद कर दिया। इसी तरह वो हमारे कुछ और थे रात, मैं बिल्कुल उनको, क्योंकि वो वन साइडेड है, वन साइडेड। अब जिस तरह मैं हैरान हूं, आपने कल औरिया मकबूल साहब की बात सुनी, जो बिल्कुल सुनी है सर, ISI के बारे में उन्होंने क्या कहा। आप सोच सकती हैं कि एक पाकिस्तानी सिटीजन पाकिस्तान के अंदर बैठ के ISI को ये कहें कि ये खवातीन प्रोवाइड करते हैं, ये दौर देखा था हमने। लेकिन सर इनसे और क्या उम्मीद हो सकती है? वैसे भी औरिया मकबूल जान तो वैसे ही मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं। नहीं, मैं लगना, मैं एग्री करता हूँ, ना ही इनकी बातें मुझे पसंद, मैं जानता हूँ, लेकिन अफसोस ये है कि जिनके बारे में राय दी गई है वहां से टस से मस नहीं, वो कहते हैं वो किधर गए हैं, वो छोड़ के पाकिस्तान छोड़ के जा तो नहीं चुके कहीं, मैं तो ये भी सोच रहा हूँ। लेकिन सर लास्ट में मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी, अगर जो भी नए आर्मी चीफ आते हैं, चाहे जो भी है, आई डोंट नो कौन आ रहा है, लेकिन क्या उम्मीद हो सकती है, या क्या आप समझते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ तो मतलब संभाला लेना मुल्क नहीं, मुश्किल है। उसकी वजह आरजू मैं ये कहूंगा कि इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन है, क्यों ये सारे छुप रहे हैं, कि अंदर डिवीजन है, और इस वक्त खान साहब को जो अंदर से खबरें मिल रही हैं, खुद बोल रहे हैं बता रहे हैं, कुछ ठगी छुपी तो बात नहीं, खबरें मिल रही हैं खुद बोल रहे हैं बता रहे हैं, कुछ ठगी छुपी तो बात नहीं। लिहा आर्मी चीफ भी आएगा तो कमजोर होगा याद, क्योंकि उसकी वजह ये है, ये बाकियात उसको विरसे में मिलेंगी। लेकिन ये सुना जा रहा है कि ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन और हिस्ट्री कि पहले साल के अंदर आर्मी जो होता है चीफ, वो बड़ा सख्त डील करता है, क्योंकि वो पीछे से अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आया हो तो। लेकिन आज अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसी को मिल रहा हो तो फिर वो इस तरह तो बिहेव ना करे आपकी एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन उनके वेरी डाउटफुल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, नाउज बिल्ला बड़े बड़े गंदे ख्याल आते हैं, गलत ख्याल आते हैं, लेकिन क्या किया जाए, इन लोगों ने हालात कर ही ऐसे दिए हैं। मेरा मकसद, कोई किसी के पास कोई मोरालिटी नहीं है, शराफत नहीं है, कोई नंगी तस्वीरें सुबह शाम डालते हैं, वीडियोस बना बना के। पाकिस्तान तो लग रहा चल ही पोर्नोग्राफी पे रहा है इस वक्त। आज उधर से वो कम हुआ है, आपका क्या नाम है, पहले वो हैकर भाई जानते, दो तीन महीने उन्होंने जलील किया हमें, अब वो फिर वीडियो आ रही है, पता नहीं लोग ये क्या चाहते क्या है, कोई समझ नहीं आ रही। और लोगों को पता भी है कि बैंकरप्सी के सर पे पहुंचे हुए, पता नहीं फिर भी ये किस तरह लोग अफोर्ड करते हैं आरजू, कि सुबह आके टेंट में बैठ जाना उसमें आके, और शाम को वहां से बिरयानी का एक पैकेट खा के तो घर चले जाना। मेरे तो समझ से बाहर है कि ये किस किस्म की कौम है, ये क्या चाहती क्या है। पॉलिटिकल वर्कर तो इसी किस्म के होते हैं हमेशा से, लेकिन अभी कुछ बढ़ गए, बढ़ गए हैं बस, मेरे समय से बाहर है। इतने अनएम्प्लॉयड, इतने लोग हैं, इतने फारग हैं, और कुछ सोच समझ ही नहीं है, उनको अकल ही नहीं है, उनकी आंखों पे इस तरह पट्टी बन चुकी है, कान बंद हो चुके हैं, नौज बिल्ला वो अपने अपने ईमान को छोड़ के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन है ये। बिल्कुल, लेकिन सर पाकिस्तान को इस वक्त वैसे भी परेशान हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं इलेक्शंस के बाद जो पाकिस्तान के ऊपर जो असरात आ सकते हैं, उस पे थोड़ा सा तो ये होशियार हो जाएं। आरजू एक और बात, कोई अच्छी खबर नहीं इलेक्शन, खबर ये है, खबर आपको बताता हूँ, पैरासिटामोल मिल नहीं रही आगे पाकिस्तान। आज की खबर ये है 48 इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स में से 22 आपके साथ बिजनेस करना बंद कर चुके। बिल्कुल, 22 ये बीबीसी, बाकी सोच रहे हैं बाकी भी बंद करने वाले हैं, और वजह उनके पास जो है श्रीलंका की मिसाल मौजूद। और मैं दूसरी बात आपको बताऊं कि आपके भी LCs नहीं खुल रही आजकल, लेटर ऑफ क्रेडिट बंद हो चुके, तो आप एक्सपोर्ट पे तो इतना असर नहीं पड़ा, लेकिन इंपोर्ट आपकी बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन अफसोस कि आपने सलाब जदगान को भी कालीन के नीचे डाल दिया है,
और ऐसी खबरें भी नहीं निकालते ताकि लोगों को असलियत का ना पता चले। और यहाँ पे सर मैं लास्ट में यही कहूंगी कि यहाँ पे मुझे एक बुक का नाम याद आ रहा है जो मैंने जब सुना था तो बहुत हंसी आई थी, कि वेटिंग फॉर अल्लाह। मेरे ख्याल है हम बस यही कर रहे हैं बस कि हम नहीं, बैठ के लेकिन वेटिंग इंतजार फॉर अल्लाह तो आज आप पिछले 75-75 साल से कर रहे हैं, आप आज कोई नई बात तो नहीं। 75 साल से जिस मुल्क को इस बेदर्दी के साथ लूटा गया हो, दैट्स व्हाट द पाकिस्तान इज। बिल्कुल। लेकिन सर कुछ तो खैर अब तो कोई होप रह नहीं गई है, लेकिन फिर भी काश कुछ संभाला ले लें कम से कम। मेरी दुआ है आरजू कि आप पाकिस्तान बना लें। अब बहुत बहुत बिल्कुल थक जो मुहाजरीन आए थे वो थक चुके हैं बेचारे, उनकी तीसरी नजर इंतजार कर रही है और कि हम भी उन्हीं में पाकिस्तान। से हैं सर, इत्तेफाक से हम भी मैं मुहाजरीन भी और उन्हीं में अभी से हूँ, तक अभी मेरी भी भी वही ख्वाहिश है कि कहलाते हैं। पाकिस्तान जो है वो तो देखा होगा दोस्तों पाकिस्तान में ठीक अब बिल्कुल इस तरह का अड्डा बन चुका है जहां पर आए दिन ऑडियो लीक हो रहे हैं, कभी किसी के वीडियो और लीक हो रहे हैं। और दोस्तों किसी को पर्सनली इस तरह वीडियो बनाना यह सिर्फ पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान के सब नेता लोगों के, पाकिस्तानी आर्मी के पास किसी के वीडियो तो किसी के ऑडियो है। और अब जो ट्विटर पर आए दिन वह रिलीज होते रहते हैं, और आगे आने वाले 2-4 दिनों में पाकिस्तानी मीडिया में यही अंदेशा जताया जा रहा है कि बहुत सारे और भी वीडियो देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो पाकिस्तानी मीडिया के लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।